कंप्लीट हो जाएगा। बात कर लेते हैं मिथिला यूनिवर्सिटी में एडमिशन जो है 22 तारीख से लेकर के 30 अक्टूबर तक हो रहा है सभी कॉलेज में। तो मिथिला यूनिवर्सिटी के अंदर आने वाले जितने भी विद्यार्थी हैं वो सभी अपने अपने कॉलेज जा करके एडमिशन ले लीजिए, नहीं तो आपको बाद में एडमिशन नहीं होगा। अक्टूबर के बाद जो है एडमिशन पार्ट थ्री में लेना बहुत ज़्यादा कठिन हो जाएगा मिथिला यूनिवर्सिटी के लिए। वहीं जो है भूपेंद्र नारायण, नमस्कार साथियों, अभी हम पार्ट थ्री में ऑनलाइन एडमिशन कैसे आप ले सकते हैं किसी भी यूनिवर्सिटी में है, तो आप इस वीडियो को पूरा ध्यान से देखिएगा। इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि पार्ट थ्री में ऑनलाइन एडमिशन आप कैसे ले सकते हैं मिथिला यूनिवर्सिटी और भूपेंद्र नारायण मंडल यूनिवर्सिटी, यानी दोनों यूनिवर्सिटी की बात करेंगे। तो इस वीडियो को ध्यान से देखिएगा ताकि आपको सभी जानकारी समझ में अच्छी तरह से आ जाए। ऑनलाइन एडमिशन लेने में और रिसिप्शन डाउनलोड नहीं होता है, रिसिप्ट जो डाउनलोड नहीं होता वो आप कैसे डाउनलोड कर सकते हैं। तो भूपेंद्र नारायण मंडल विश्वविद्यालय इसका भी और मिथिला यूनिवर्सिटी इस दोनों के बारे में हम बताने वाले हैं। वीडियो को कंप्लीट देखेगा ताकि आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, गूगल को ओपन कर लेंगे जैसे कि हमने आपको बताया, और BNMU यूनिवर्सिटी सर्च करना है। फिर आपको किस वेबसाइट पर आना है वो हम बता देते हैं। नीचे आ जाना है और आपको इस तरह का वेबसाइट मिल जाएगा ORG, ठीक है। यहाँ पर आपको क्या कर लेना है, क्लिक कर देना है। जैसे आप क्लिक करेंगे आपके सामने ऐसा पेज ओपन हो जाता है, ठीक है। यहाँ पे इस तरह का ऑप्शन आता है, इसको हम अगर रोटेट कर लेंगे, देखिए। तो जब आप ऐसे करेंगे फोन के तो यहाँ पर जो है नीचे आपको आ जाना है। जैसे आप नीचे आ जाएंगे तो यहाँ पर देखिए स्टूडेंट पोर्टल मिल रहा है, ठीक है ना। तो इसी वाले पर आपको सिंपली क्या कर देना है, क्लिक कर देना। आप जैसे क्लिक करेंगे तो इसमें से आपको कई ऑप्शन मिल जाएगा। तो इसमें आपका कौन सा कॉलेज है उस कॉलेज पर आपको क्लिक करना होगा। मान लीजिए कि हमारा कॉलेज, जो भी कॉलेज आपका है उस कॉलेज पर आपको क्लिक कर देना। क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपको लॉगिन आईडी इस तरह का ऑप्शन आपके सामने आ जाता है, जिसमें आपसे एप्लीकेशन नंबर या रजिस्ट्रेशन नंबर मांगा जाता है। तो आप लोग को कॉलेज में जो है रजिस्ट्रेशन नंबर मिला होगा, उस रजिस्ट्रेशन नंबर को यहाँ भर देंगे और पासवर्ड भर देंगे। अगर पासवर्ड नहीं पता है तो क्रिएट कर लेंगे, यहाँ पर मिल जाता है पासवर्ड, और फॉरगेट का ऑप्शन भी मिल जाएगा आपको। तो जब आप यहाँ से ऑनलाइन कर देंगे फिर आपको वो ऑनलाइन किया हुआ चीज क्या करना है, रिसिप्ट आपको डाउनलोड हो जाएगा। तो रिसिप्ट जो है आपको ले करके जाना है कॉलेज, और आपको अपने कॉलेज में वो रिसिप्ट जमा कर देना है, तभी आपका एडमिशन जो है सक्सेस हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा। बात कर लेते हैं मिथिला यूनिवर्सिटी में एडमिशन जो है 22 तारीख से लेकर के 30 अक्टूबर तक हो रहा है सभी कॉलेज में। तो मिथिला यूनिवर्सिटी के अंदर आने वाले जितने भी विद्यार्थी हैं वो सभी अपने अपने कॉलेज जा करके एडमिशन ले लीजिए, नहीं तो आपको बाद में एडमिशन नहीं होगा। अक्टूबर के बाद जो है एडमिशन पार्ट थ्री में लेना बहुत ज़्यादा कठिन हो जाएगा मिथिला यूनिवर्सिटी के लिए। वहीं जो है भूपेंद्र नारायण मंडल यूनिवर्सिटी में जो है अभी चल रहा है ऑनलाइन एडमिशन, तो आप लोग करा सकते हैं। आप लोग दो तरह से करा सकते हैं इस यूनिवर्सिटी वाले लोग, एक तो आप ऑनलाइन भी करा सकते हैं, दूसरा आप ऑफलाइन करा सकते हैं। अगर इसमें दिक्कत होता है तो आप लोग को क्या करना है, यहाँ तो आपको जो है यहाँ पर कॉन्टैक्ट नंबर भी मिल जाएगा, ठीक है ना। यहाँ पर देखिए इस तरह के कॉन्टैक्ट नंबर यहाँ पर आ रहा है, इस कॉन्टैक्ट नंबर पर जो है अगर आप कॉल करके बात भी कर लेंगे और नामांकन से जुड़ी हुई सभी जानकारी आपको बता दी जाएगी। बेझिझक यानी किसी भी प्रेशर में नहीं आना है, किसी भी तरह का प्रॉब्लम नहीं होगा, इस नंबर पे आप कॉल करके बात कर सकते हैं, आपका एडमिशन हो जाएगा। एडमिशन जो आपका होगा कॉलेज से ही होगा, और अगर पेमेंट रिसिप्ट अगर डाउनलोड नहीं होता है तो यहीं से डाउनलोड होगा। एक बार आप लैपटॉप पर जा करके और जो है वहाँ से करेंगे तो आपका डाउनलोड हो जाएगा। इस तरह से जो है आपका एडमिशन की प्रक्रिया होगा। इसे पिछले वीडियो में भी हमने आपको पूरा प्रोसेस बताया था कि कॉलेज से ज़्यादा बेटर होगा कॉलेज से आप पता कीजिए। तो आप लोग को लगा था ऐसा बात नहीं हो पाएगा, लेकिन आप कॉलेज से पता कर सकते हैं, आराम से हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से आप पूरी जानकारी समझ गए होंगे। अगर कुछ जानकारी बची हुई है तो आप हमें कॉमेंट कीजिए, हम आपको कॉमेंट में पूरी जवाब देने का पूरा प्रयास करेंगे। और पेमेंट वेमेंट की बात है तो सब कॉलेज का अपना अलग अलग पेमेंट जो है तय किया गया है, ठीक है। बाकी अगर आपके कॉलेज का लिंक नहीं मिल रहा है तो आप अपने कॉलेज पर जाकर के ऑफलाइन एडमिशन ले सकते हैं पार्ट थ्री में। धन्यवाद इस वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।